थोड़ा सा रूटीन अगर आप बताओ ड्रॉप ईयर का स्पेशली, क्योंकि ये प्रयास बैच के अंदर है। ओके, तो प्रयास बैच का अपना रूटीन बताओ कि कैसे पढ़ाई करते थे, है ना? प्रयास का मैं लिखता जाऊंगा क्योंकि लिखने में शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी भाई। लिखोगे क्या? नहीं सर। डेली रूटीन चलो प्रयास बैच का आप अपना बताओ। सर उठना मेरा थोड़ा लेट होता था, कोई दिक्कत नहीं, जो होता रहा सच्चाई जो है। 8 से 9 के बीच में मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 8 से 9 AM में आप लाइब्रेरी पहुंच जाते थे सुबह सुबह उठ के, एंड लेक्चर स्टार्ट होने के बाद लाइव इतने समय तक हो जाता था। तो उससे पहले मैं थोड़ा रिवीजन करता था, मतलब और इस समय आके लाइब्रेरी में। हाँ, तो सबसे पहले लाइब्रेरी में पहुंचे 8:30 पकड़ लेते हैं, 8:30 बजे से आप लाइब्रेरी के अंदर रिवीजन करना शुरू कर देते थे। लगभग एक घंटे के समथिंग रिवीजन चलता था, फिर मैं जो है लाइव लेक्चर में जाता था। पिछले क्लास का? हाँ, पिछले क्लास का। ठीक है, एंड देन जो पिछले दिन पढ़ा है, जो पिछले दिन पढ़ाया, फिर इसके बाद एक घंटा ये चलता था, फिर उसके बाद मैं लाइव क्लास में जाता था। वो लाइव क्लास तो आगे बढ़ जाती थी, अब वो स्पीड करके। हाँ, ये मैंने काफी बच्चों का सुना है कि लाइव क्लास आधा एक घंटे बाद ज्वाइन करता था, क्लास आगे निकल जाती थी। हाँ, फिर मैं स्पीड अप करके क्लास के अंत तक आते जाते कोशिश करता था पकड़ लूं क्लास को। हाँ, हाँ। ये काफी बच्चे ये कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं, पता नहीं आप लोग कर रहे हो कि नहीं। इस बार काफी बच्चों ने मुझे ये चीज बताई कि जैसे मान लो लाइव क्लास हमारी 9 बजे शुरू हुई, तो मैं 9:30 पे शुरू करूंगा और लास्ट में आते आते 10-5 मिनट का गैप बचेगा मेरा, कैच कर लूंगा मैं। और पहले ही हो जाता है कभी कभार, अगर स्पीड सही हो तो पहले भी टाइम भी खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, वो लाइव क्लास थोड़ी ना खत्म होगी। ये थोड़ी तो, हम आगे चले गए। तो लाइव क्लास इसके बाद आप स्टार्ट करते थे। हाँ, या ऐसे कर सकते हैं कैचअप करते थे आप। हाँ, उसको। और क्वेश्चन जो है बीच में पॉज करके मेरे को टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता था थोड़ा क्वेश्चन करने के लिए। लाइव क्लास में कभी कभार ये भी होता ना कि साथ में सर बोल रहे हैं, तो वो कभी कभार क्वेश्चन ध्यान नहीं देता। लाइव क्लास डिस्टर्बिंग से भी लगती है कि पूरा आपकी तरफ हम नहीं चल सकते भाई, रोको, हमें क्वेश्चन करने का समय चाहिए। हाँ, और सर जैसे कभी चैट के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर। चैट डिस्ट्रैक्ट करती है भाई, सही बात है। हाँ, अभी आप भी हो रहे हो। हाँ, थोड़ा मैं भी हो रहा हूँ। मुझको देखो, मैं नहीं हो रहा हूँ। वैसे जब स्टार्टिंग में टीचर्स आते थे जो ऑफलाइन पढ़ाते थे और ऑनलाइन में PW के अंदर आए, पूछते थे कि सर एक एडवाइस आप क्या दोगे, मैं कहता था जितना अच्छा चैट इग्नोर करोगे आप उतना अच्छा पढ़ाओगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, एक बार चैट देख लेते थे बीच बीच में कि हाँ भाई क्या। फिर क्या हुआ आगे? फिर क्लास चलती है यहाँ से कितने बजे तक? अब क्लास लगभग उसी टाइम तक या फिर थोड़ा 2 घंटा आगे, क्योंकि मैथ्स की थोड़ी लंबी रहती तो मैथ्स में टाइम ज्यादा देना पड़ता। आखिरी क्लास मैथ्स की होती थी। तो फिर मैथ्स की क्लास की, फिर मैथ्स की क्लास की, फिर DPP स्टार्ट कर दी थोड़ा सा। अगली क्लास नहीं करते थे? तो तीनों क्लास हो गई ना। हाँ, तीनों क्लास खत्म हो गई है। हाँ, कितने बज गए? अपने 5 से 6 समथिंग, 6 बजे तक। तो 5 PM तक आपकी सारी क्लासेस फिनिश। आप अपनी स्पीड पे क्लास फिनिश करते थे? हाँ, मैं अपनी स्पीड पे क्लास फिनिश करता था। तो ऑनलाइन आपकी क्लास प्रयास की सारी खत्म हो गई, अब क्या होगा? अब प्रैक्टिस चालू होती थी। अभी भी लाइब्रेरी में हो आप? हाँ, अभी भी लाइब्रेरी में। तो अब 5 बजे से आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या करोगे? नोट्स रिवाइज करोगे सबसे पहले? प्रैक्टिस नहीं, जो अभी ताजा ताजा है, थोड़ा ताजा ताजा, तो उसका जो है DPP लगा लेता। ताजा ताजा की DPP? फिर ताजा ताजा। हाँ, फिर क्या करते थे बताओ तो। DPP, जैसे DPP लग गई, सब अपने ही लोग हैं यहाँ समाज में, DPP लग, वैसे भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये हंस क्या रहे हैं। हाँ, फिर बताओ। DPP लगने के बाद, हाँ, जैसे कभी कभार मैथ्स की DPP टफ आ गई या फिर मैथ्स की DPP नहीं लग रही, DPP को भी टाइम में लगाना है, मुझे बहुत जरूरी है। बच्चे बोल रहे हैं खाना कहाँ खाया आप बीच में, उनको ये जानना है खाना बीच में, पानी कब पिए बताओ उनको सब। आधे घंटे का गैप होता है तो कहीं पे हाफ आवर घर आ जाता है। घर भी आते थे बीच में? नहीं, घर से खाना आ जाता। कौन लाता था? कभी भैया आ गया, कभी ताऊजी आ गए। हाँ, तो ये बड़ा बताने वाली बात है कि इनकी पूरी कहानी में इनके ताऊजी का बड़ा सपोर्ट रहा। कजन भैया हैं, भैया का नाम क्या है? नहीं, भैया तो रियल है, भैया आपके रियल है। हाँ, उनका बड़ा सपोर्ट रहा। हाँ, इन लोग ने बहुत सपोर्ट किया इनका। फिर खाना आ गया, हाफ आवर ब्रेक, हाँ, वापस आते हैं आप। खाना मैं बहुत जल्दी स्पीड में मतलब खा ही लेता था, 10 मिनट लगभग। 10 मिनट में? हाँ, 10 मिनट के समथिंग। इतना सारा मैं तो ज्यादा आते हैं। हाँ, इतना ही लगभग जाता है। लड़के 7-8 मिनट खाना लेट खाता है। हाँ, जानवरों की तरह। फिर फिर ट्रैक पे डायरेक्ट सीधे, मतलब लड़की लोग ऐसे तोड़ के से छोटा सा टेस्ट ऐसे बड़ा से फाड़ गया टेस्ट लेके। हाँ, फिर जो है प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस में लाइब्रेरी कब तक रहते थे आप?
मैं वैसे 10 बजे तक रहता था, लेकिन फिर हाँ, लेकिन मैंने वो लाइब्रेरी वाले भैया से कह के उसका एक्सटेंड करवा दिया, चाबी मैंने ही ले ली। चाबी भी ले ली? हाँ, 11:30-12 बजे तक जाता था फिर। तो सुबह से रात तक आप लाइब्रेरी में? हाँ। फिर क्या हुआ इसके बाद, डीपीपी के बाद? डीपीपी के बाद सर प्रैक्टिस करता था, जब मैं मॉड्यूल वगैरह लगाता था या सर जो होमवर्क देते हैं क्वेश्चन पीवाईक्यूज देते हैं, पीवाईक्यूज भी दे देते हैं, मॉड्यूल होमवर्क पीवाईक्यू ये करता था। तो ये भी कैसे कि टाइम फ्रेम लगाया, लेकिन छोटा छोटा टाइम फ्रेम लगा के, छोटा टाइम फ्रेम लगा के लगभग आधा या एक घंटे का, ये नहीं कि 2.5-3 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया, क्योंकि एक तो इतना टाइम भी नहीं बचा, 5 से 12 लगभग 5-5.5 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे बचते थे। तो इसके बाद टाइम फ्रेम लगाया छोटा छोटा, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस ज्यादा इफेक्टिव होती है। थोड़ा एग्जांपल दो किसी चैप्टर के साथ, जैसे मान लेते हैं आज कोई चैप्टर पढ़ा, उसके साथ दो एग्जांपल। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है, तो आधे घंटे में अपन ने 10 से 12 क्वेश्चन का टाइम फ्रेम लगाया, तो ये थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है कि आधा घंटा है, अगर अपन ने टाइम फ्रेम बढ़ा दिया जैसे 1.5-2 घंटा कर दिया और क्वेश्चन भी बढ़ा दिए, लेट सपोज 30 कर दिए 2 घंटे के लिए, एंड 2 घंटे में फिर वो क्वेश्चन कम ही हो पाते हैं, थोड़ा लेजी हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट का होता है 2 घंटे में। वैसे भी अपन को मेन एग्जाम में स्विच करना होता है, कभी मैथ्स कभी केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, तो इसलिए टाइम फ्रेम छोटा ही रखता था। इसको एटॉमिक हैबिट बोलते हैं जो तुम कर रहे हो, एकदम सही टेक्निक होती है। जैसे आप सोचोगे दिमाग को कि 3 घंटे में 300 क्वेश्चन या 3 घंटे में लेटर से 50 क्वेश्चन करेंगे, तो नहीं होते हैं। तो जब सोचो कि आपको आधे घंटे के अंदर ये 7-8 क्वेश्चन करने हैं, तो बनने के चांसेस ज्यादा है, लेट बैक नहीं हो गए आप। हाँ, तो आधे आधे घंटे का आप टाइम फ्रेम सोचते थे और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। हाँ, फिर जैसे अगर क्वेश्चन नहीं भी बने, जैसे आधे घंटे का लगाया अपन ने, 1 घंटे का लगा, मैथ्स के नहीं बने, तो फिर मैथ्स का छोड़ के स्विच कर लिया ऑर्गेनिक, जैसे मेरे को ज्यादा अच्छी लगती तो ऑर्गेनिक पे स्विच हो जाता था मैं हाल, जैसे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो मैथ्स के नहीं लग रहा है तो बाद में लगा के मॉड्यूल करा था, मॉड्यूल प्रयास का नहीं कर पाया था मैं, नहीं किया था। हाँ, तो फिर किसका कर रहे थे? नहीं, होमवर्क ही बहुत हो जाता था। तो मॉड्यूल आपने बोला था कि मॉड्यूल करते नहीं थे? अरे वो मॉड्यूल फ्लो में निकल जाता, फ्लो में निकल जाता है। थोड़ा भी नहीं किया है? नहीं नहीं। तो क्या क्या किया? सिर्फ होमवर्क, होमवर्क, डीपीपी, पीवाईक्यूज। हाँ, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू होमवर्क, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, क्योंकि सर बीच बीच में दे भी देते थे क्लास में, लेकिन एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रेशर आपको उसी दिन पता पड़ेगा, और अगर आपने पहले वो प्रैक्टिस नहीं की तो टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करते थे? एग्जाम के हिसाब से, कि एग्जाम में जितना समय मिलना है क्वेश्चन को उसके हिसाब से? हाँ, लगभग उतना ही समय रहता था जो है फिजिक्स का लगा लिया। नहीं, मतलब चैप्टर मिक्स कर देता था, वेबसाइट थी उस पर चैप्टर मिक्स करके ये चैप्टर उठा लिए, फिर उसी के हिसाब से टाइम रिड्यूस कर दिया, 1.5 घंटा कर लिया, 1.5 घंटे में तीनों के उठा लिए, 3-3 चैप्टर उठा लिए, फिर पीवाईक्यूज वैसे बहुत हो गए हैं तो उसके हिसाब से वो उसमें बिल्कुल टेस्ट जैसा फॉर्मेट आ जाता था, फिर उसमें देता था मैं, टेस्ट के फॉर्मेट में देता था। मॉड्यूल से ज्यादा आपने जो फोकस किया वो किया डीपीपी पे, और आपने इसके बाद फोकस किया क्लास में अगर होमवर्क मिला उस पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू पे आपने बहुत फोकस किया। हाँ, और इसके साथ आप ऑनलाइन क्लासेस करते थे? ऑनलाइन, दैट्स ऑल। यस, एंड ऑल दिस इज सफिशिएंट टू गो फॉर लाइक 7000 और 6000 रैंक। आपका स्कोर था 157 आईटी एडवांस में, और बचपन से क्लास में कभी फर्स्ट फर्स्ट नहीं आते थे आप? क्या आते थे? एवरेज से भी थोड़ा लो ही समझ लें, एवरेज से लो थे। हाँ, तो एवरेज से लो बच्चा कैसे आईआईटी निकाल सकता है, कैसे 7000 रैंक ला सकता है? क्योंकि हमें से ज्यादा लोग आपसे रिलेट करते हैं, हम मतलब हमारे जैसे लोग या हमारे जैसे बच्चे जो जैसे हम हैं आज, मतलब थे जैसे हम बचपन में, और जैसे ये बच्चे, हम सब ऐसे बच्चों से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं जो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, और उसके बाद आईआईटी निकाले, ना कि उससे जिसकी आईआईटी के अंदर मान लो 100 रैंक आई है, 200 रैंक आई है, भाई वो तो 9th क्लास से आईआईटी की तैयारी कर रहा है, पढ़ने में हमेशा से अच्छा था। हम अभी जहाँ है यहाँ से आईआईटी कैसे हो जाएगा ये बताओ इनको, कितना पॉसिबल है, क्या करें? मतलब जो एवरेज से स्टार्ट करता है, जो एवरेज से स्टार्ट किया है, वहाँ कैमरे में बताओ, टीचर्स को फॉलो करना उनकी बातों पे, फिर नोट्स रिवीजन, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वहाँ पे जाना, क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना
लेकिन टाइम फ्रेम स्टार्टिंग में तो मैटर नहीं करता, लेकिन जो एक बच्चा कह क्लास रहा का है ना। अरे टॉपर झूठ बोलते हैं, नहीं भाई मैंने इससे 1 घंटा बात की, एवरेज ही था पढ़ने में, मैथ्स इसकी अच्छी थी 5th क्लास तक, फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ में थी, सिक्स में, उसके बाद मैथ्स भी इतनी अच्छी नहीं रही। नहीं हुई, वो हाँ केमिस्ट्री ने बचाया। अपने बोर्ड के परसेंटेज बताओ तो अभी सोच रहा हूँ। 78% 78% थे 12th में, और 10th में, 10th में 79। 79 और 12th में 78, यहीं से पता चल रहा है एवरेज बच्चा है अपने पास। 10th में 79%, 12th में 78% बोर्ड में। अब बताइए यहाँ से आईटी एडवांस निकल रहा है, 7,000 रैंक निकल रही है बच्चे की, मतलब कि एक एवरेज बच्चा कैसे आईटी पहुंचा। तो आपने बोला कि क्या क्या करें भाई, अब एक बार बताओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा वहां के अंदर। प्रयास वालों के लिए हाँ प्रयास वालों के लिए। ड्रॉपर मैंने 12th में ज्यादा ध्यान दिया था थोड़ा, तो इसलिए मैं जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि कैसे करना है। ये करने का अंदाजा मेरे को 12th में आ गया था। ये थोड़ा मेरे को एडवांटेज मिल गया था प्रयास के लिए। जो जो फ्रेश ड्रॉप ले रहा बिल्कुल, कि जिसने 12th भी नहीं पढ़ी, तो उसको तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन तब भी थोड़ा ज़्यादा टाइम ना दें, जैसे 15-15 मिनट कभी चला जाता क्वेश्चन को, तो वो ना करें। तुम ये चीज अच्छी सिखा रहे हो बच्चों को कि ऐसा नहीं है कि लेट बैक ही क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो 1 घंटे लगे हुए हैं, नहीं, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हो। तुम टाइम फ्रेम में हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, टाइम फ्रेम बहुत और नहीं हिला तो छोड़ दे क्वेश्चन वाला, क्या करें बाद में आके डिटर्मिन बाद में आके उसको ये सॉल्व कर टाइम लें। उन क्वेश्चंस को, जैसे एनालिसिस की जब आप नोटबुक मेंटेन करें, उन क्वेश्चंस को जरूर डालें जो आपको 2-3 बार में नहीं हिले, लेकिन बाद में हिले, क्योंकि काफी सारी चीजें कनेक्ट हो रही थी उस समय पे, समझ में नहीं आया अपन को, लेकिन बाद में अपन को समझ में आ गया। तो ये चीज मेंटेन करके रखना है, टेस्ट एनालिसिस एंड जो क्वेश्चन अपने PYQs में नहीं बने, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होता है खासकर मेंस में। एंड एडवांस में तो खैर उसकी कभी कभार वो हो। वंशज 1 मिनट हिट कर देना है ना। अब आप मेरे को एक चीज ये बताओ, क्या आपने स्टार्टिंग से मेंस और एडवांस के लिए कोई अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई थी, अलग अलग रिवीजन करते थे कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, प्रॉपर मतलब मिक्स था, हाँ मेंस में एंड एडवांस में हाँ मिक्स वहाँ था। कैमरे में, हाँ हाँ बोलो चल रहा है कैमरे में। मेंस एंड एडवांस स्टार्टिंग में वही था, लेकिन क्वेश्चन जो है एडवांस के जो सर बीच बीच में कराते थे वो भी करते थे अपन। और जो है स्टार्टिंग में PYQ मैंने उठाए नहीं, एडवांस के लिए, नहीं किए हाँ, एडवांस के लिए स्टार्टिंग में नहीं किए, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में मेंस, प्रयास में जब थे। हाँ प्रयास में जब था मेंस पे ज्यादा फोकस रहा मैं थोड़ा, मतलब थ्योरी प्रॉपर होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, फॉर्मूलेज वगैरह, एंड फिर प्रैक्टिस आप टाइम फ्रेम में। ये चीज मेंस के लिए बहुत है, बेनिफिशियल है कि मेंस में थ्योरी। क्या रहा आपका? मेंस में मेरी 99.68% थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्रयास में। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में 99.57 थी, वो उसमें 99.57, 57 ये इस साल की बात हो रही है इस ना, साल की बात ड्रॉप हो रही ईयर है, में। ये ड्रॉप ईयर की बात हो रही है। इसके बाद से प्योर एडवांस की तैयारी की होगी यहाँ प्योर से, एडवांस की तैयारी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से ही चालू कर दी थी, यहाँ से। यहाँ से ही फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से तैयारी चालू कर दी थी। जो वरुण में पढ़ाते थे सर, वरुण के लेक्चर्स लगाने में टाइम लगता था, क्योंकि सर रिकॉर्डेड फॉर्म में देते थे, पहले क्वेश्चन PDF में देते थे, फिर PDF करी पहले, देन उनके पास फिर से गए, वीडियो देखी, वीडियो स्किप कर दिया अगर जो है, मतलब फास्ट अगर फॉरवर्ड कर दिया, अगर आसान या किए हुआ क्वेश्चन हाँ है आसान टॉपिक या किया आता है। हुआ है तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन देखा एक बार सर ने क्या अप्रोच बताई है, ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम ये देख लिया। ये एडवांस में जब लेक्चर चल रहे थे तब, और PYQs करने हैं उसके लिए तो, लेकिन मेरे लिए ज्यादा टाइम मेरे को मिल नहीं पाता था वरुण में। क्यों? वरुण में वो टाइम फ्रेम ज्यादा लग जाता था लेक्चर्स को कंप्लीट करने में, खासकर मैथ्स तो में। फिर आपने ड्रॉप कर दिया वरुण बैच? वरुण बैच ड्रॉप नहीं किया, वरुण बैच प्रॉपर फॉलो करा, जो है बस वो बीच बीच में छूट जाता था कुछ कुछ चैप्टर्स, जो ऐसा लगा ये
अपने बस के नहीं है क्योंकि अपने बस के नहीं है। ये इनका थोड़ा वो जैसे 11th में भी कम वो था इंटरेस्ट नहीं कह सकते कि वो फोबिया था उनसे चैप्टर्स से हो गया था 11th में नहीं कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ फिर मेंस में मतलब प्रयास में जब गए तब पर उन चैप्टर्स के बिना भी आप आईटी में पहुंच सकते हो। आप ये आसानी देखो ये बच्चा बहुत ही चीजें प्रूफ कर रहा है ये प्रूफ कर रहा है कि अगर आप कड़ा संघर्ष करो कड़ी मेहनत करो डिस्ट्रैक्ट ना हो तो आप एक एवरेज बच्चा जो है 12th में जिसके 78-79 परसेंटेज है 10th में 78-79 परसेंटेज है वो बच्चा भी आईटी के अंदर 7000 रैंक 7500 रैंक ला सकता है अपनी मेहनत करके क्वेश्चंस को टाइम फ्रेम में करना शेड्यूल में रहना। अब देखिए इसका शेड्यूल सुनिए सुबह 8 बजे से रात 11-12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है तो कोई शेड्यूल नहीं है ऐसा कि इतने देर ये करेंगे वो करेंगे सुबह 8 बजे बैठे तो रात के 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई हुई और इसका देखिए रिजल्ट है सामने आज ही आईटी दिल्ली में पहुंच गए हैं। ये बच्चा ऐप चला देना वंचित मेरे को दिखा देना बैकलॉग कुछ हुआ था कभी बैकलॉग कुछ हुआ था वो चैप्टर्स स्किप करने पड़े मेरे को फिर कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे पे स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं थे जैसे फ्लूएंट्स बैकलॉग गया था वो सर ने 4 लेक्चर प्रोवाइड करवाए थे वो ज्यादा टाइम फ्रेम के थे तो वो मैंने फ्लूएंट फिर पूरा छोड़ दिया क्योंकि फ्लूएंट थोड़ा इंडिपेंडेंट चैप्टर हो जाता है तो फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि एडवांस में भी फिर उसके फ्लूएंट अगर करो तो प्रॉपर पूरा करो वरना फ्लूएंट थोड़ा टफर साइड पे बैठता है एडवांस में भी। पर यही लगा मेंस भी छूट जाए मेंस के लिए कर लिया था मेंस के लिए इतना तो शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास वन शॉट देख लिया था मैंने मेंस के लिए तो मेरे पास शॉर्ट नोट भी पुराने बने रखे थे तो और तो आपके इंडिपेंडेंट यूनिट्स अगर नहीं हो रही है तो एडवांस के लिए छोड़ ही दो तो बेटर है। हाँ इंडिपेंडेंट यूनिट्स अगर आप पे नहीं हो रही हो जैसे फ्लूइड्स था पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा था पीएनसी के हो जाते क्वेश्चन पीएनसी मैंने मेंस के लिए करके रखा था लेकिन एडवांस में थोड़ा स्किप करना पड़ा मेरे को इतना प्रैक्टिस नहीं की मैंने बीएनसी के लिए। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बधाई हो कंग्रेचुलेशन। थोड़ा तुम नर्वस दिखे मुझे पूरे टाइम तो कोई नहीं अभी आईटी पहुंच जाओगे एक साल बाद आओगे देखना एकदम कॉन्फिडेंस में आओगे जी सर। आप लोग से फिर किसी बच्चे को ऐसे ही मिलवाएं लाएंगे जो आप ही के बैच से पढ़ के भाई आईटी पहुंच रहे हैं बच्चे एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ ये 150 से लेके 180 का स्कोर इतना डिफिकल्ट नहीं है एक एवरेज बच्चा भी स्कोर कर सकता है बस आपको टीचर्स को फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल थैंक यू।